जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको स्कोरिंग, आपको कितना स्कोर करना है, उसकी एबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। पॉइंट नंबर थ्री इज गेट फेमिलियर विथ। हेलो एवरीवन, दिस साइड आकांक्षा एंड टुडे इन दिस वीडियो आई विल शेयर फ्यू रीजंस व्हाई मॉक टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगी कि मॉक टेस्ट देना क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पॉइंट नंबर वन इज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रैक्टिस आप करते रहिए। पॉइंट नंबर टू इज टू स्कोर मोर। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको स्कोरिंग, आपको कितना स्कोर करना है, उसकी एबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। पॉइंट नंबर थ्री इज गेट फेमिलियर विद एग्जाम पैटर्न। आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह का एग्जाम्स का पैटर्न होगा। पॉइंट नंबर फोर इज टू डेवलप द स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपको स्पीड और एक्यूरेसी की भी नॉलेज रहेगी कि आपको एग्जाम कितने टाइम में ख़त्म करना है, कितना टाइम आपको किस पेपर पे देना है। पॉइंट नंबर फाइव इज टू हेल्प टू ओवरकम द एग्जाम फोबिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम देने से डर भी लगता है, तो आपको इसमें हेल्प मिलेगा, बेनिफिशियल मिलेगी कि आपका एग्जाम फोबिया जो है वो खत्म हो जाएगा जब आप मॉक टेस्ट लेंगे। पॉइंट नंबर सिक्स इज टू फिल द नॉलेज गैप। आपको जितना आप मॉक टेस्ट देंगे आपकी नॉलेज उतनी इंक्रीज हो जाएगी, तो आपको जो चीज़ नहीं भी पता है तो आपको उसमें बेनिफिशियल मिलेगा। पॉइंट नंबर सेवन इज टाइम मैनेजमेंट स्किल। आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, कैसे सेव करना है, किस पेपर पे, किस सेक्शन पे कितना टाइम देना है, तो आपको यहाँ पे हेल्पफुल मिलेगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल की भी नॉलेज। पॉइंट नंबर एट इज रिविजन। जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट देते जाएंगे तो आपकी रिवीजन का भी टाइम आपको पता चल जाएगा, आपको कितना रिवीजन करना है, क्या पेंडिंग है, ये सारी चीज़ें हैं और जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो ये कुछ रीजंस है जिससे आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए एंड ये इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स।